ऑलराइट सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार सबसे ज़्यादा मेरे पास एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स इसी क्वेश्चन से भरा पड़ा है कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, कभी दिखा रहा है कि कन्वीनर से वेरीफाई हो गए, बट अभी तक प्रिंसिपल से वेरीफाई नहीं हुए, पेमेंट लिंक का ऑप्शन नहीं आया। तो क्या करें और कैसे चीज़ें होने वाली है, बिकॉज टाइम काफ़ी कम रह गया है एंड 6 तारीख तक हम सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं, 4 तारीख हो चुकी है एंड आज लास्ट डेट थी एक्सेप्ट करने की। तो यार देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज द थिंग इज 5 तारीख को शाम को 5 बजे तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के पास टाइम है, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करने का। आई नो कि आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट डे आते ही एक्सेप्ट कर लिया था एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस में चले गए थे एंड स्टिल अभी तक नहीं हुए, एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कल एक्सेप्ट की हो सीट एंड उनके अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी हो गए होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में यही चीज़ बताई थी कि यार देखो टाइम लगता है इस चीज़ को, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अप्लाई करते हैं, आपको भी पता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया, 80 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया एंड सीट एक्सेप्ट कर लिया है, तो सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं, हर कॉलेज के अंदर इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आती है तो कॉलेज वाले को भी टाइम लगता है एंड धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। और अगर आपका स्टेटस कुछ भी शो नहीं कर रहा तो उस केस में अगर आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए तो आप अपने कॉलेज को फ़ोन कर सकते हो, आपको वहाँ के नंबर्स मिल जाएंगे नोडल ऑफिसर्स के, उनकी वेबसाइट्स पे, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलेज की, जैसे अगर आप भगत सिंह में अप्लाई कर रहे हो या फिर SRCC में अप्लाई कर रहे हो, KMC में अप्लाई किया है एंड वहाँ पर अभी तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए तो उनके वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर हेल्प डेस्क पे जाओ, वहाँ पर नोडल ऑफिसर्स के आपको नंबर मिलेंगे। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू नोडल ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट्स आपको शेयर करवा दूँ, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, और उन पे कॉन्टैक्ट करो और उनसे बोलो कि सर मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया था और अभी तक मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए। अगर मैं अपना केस बताऊँ तो मेरे भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए थे, मैंने शहीद भगत सिंह में एडमिशन लिया था और मेरे उस टाइम भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए थे और एक ही स्टेटस बार बार दिखा रहा था, तो मैंने नोडल ऑफिसर्स को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज काफ़ी बार टेक्निकल इश्यूज़ के कारण भी वो चीज़ें अपडेट नहीं हो पाती। आई होप कि ये चीज़ आपको नहीं पता होगी पहले, अब एंड अब आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल रही होगी। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ होती है अभी तक तो आपके पास नोटिस आ जाता है, वहाँ पर रिमार्क शो कर रहा होता है, और अगर ऐसा कुछ रिमार्क नहीं शो कर रहा एंड स्टिल डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं दिखा रहा तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच भी हो, ठीक है। आई होप कि इन्फॉर्मेटिव रही है वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे जो सब्सक्राइब नहीं करते एंड वीडियो देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर वीडियो से हेल्प हुई हो और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दो, बिकॉज काफ़ी बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है एंड लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो एंड कमेंट बॉक्स में बताओ आपकी और क्या क्वेरीज हैं, एंड थोड़ी देर में लाइव आने वाले हैं तो आप सभी के डाउट्स वहाँ पर जरूर लेंगे एंड तब तक के लिए टिल देन दिस इज तुषार जैन साइनिंग ऑफ। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।